अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हम लोग जो है वो कॉइन बेस का वॉलेट जो है वो किस तरह से क्रिएट करेंगे, यानी हाउ टू क्रिएट कॉइन बेस वॉलेट, कि हम लोग जो है कॉइन बेस का वॉलेट जो है वो क्रिएट करेंगे। आपको यहाँ मैं आज मोबाइल और पीसी का दोनों का तरीक़ाकार बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने मोबाइल पीसी पे अपना अकाउंट जो है वो कॉइन बेस पर जो है वो बना सकते हैं। तमाम तरीक़ाकार आपको यहाँ पर मैं शेयर करूँगा। तो यहाँ पर आप दोस्त जैसे ही वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आएंगे, यहाँ पर आपको लिंक मिलेगा हाउ टू क्रिएट कॉइन बेस वॉलेट का, यानी यहाँ पर कॉइन बेस वॉलेट लिखा होगा, वहाँ पर आप दोस्तों को इस तरह से लिंक मिल जाएगा। जिस तरह से ये वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको कॉइन बेस वॉलेट का ऑप्शन मिलेगा और लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे आप आएंगे तो जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप दोस्तों के सामने इस तरह से पेज आ जाएगा। अब सेम इसी तरह से आपके सामने मोबाइल का पेज भी आपके ब्राउजर में ओपन होगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना फर्स्ट नेम ऐड करना है, लास्ट नेम ऐड करना है, उसके बाद यहाँ पर अपना ई मेल एड्रेस ऐड कर देना है, एक अच्छा सा पासवर्ड आपने बनाना है। उसके बाद यहाँ पर आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करने के बाद आपने क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे, आप दोस्तों के सामने नेक्स्ट वाला पेज जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहां पे आप दोस्तों के सामने ऑप्शन आ जाएगा वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस, यानी अपना ईमेल एड्रेस जो है वो वेरीफाई करें। आपने सिंपल अपने मेल बॉक्स में चले जाना है, वहां से आपने अपनी मेल आपको रिसीव होगी होगी उसको आपने यहां से ओपन करना है और यहां पर वेरीफाई ईमेल एड्रेस पर आके क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, आप दोस्तों के सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। अब यह बता रहा है कि आपको इसके न्यू ऑप्शन जो भी इसमें चेंजिंग्स वगैरह होगी या कोई न्यू गिव अवे वगैरह था उसकी आपको नोटिफिकेशन आएगी, आपने यस पे क्लिक कर देना है ताकि आपको इसकी तमाम डिटेल वगैरह जो मिलती रहे। अब जैसे ही यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आप दोस्तों के सामने नेक्स्ट वाला पेज यहाँ पे आएगा कि आप यहाँ पे आके अपना फ़ोन नंबर जो है वो ऐड करें। अब सबसे पहले आपने अपनी कंट्री जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे देखें, ये मेरे सामने मेरी कंट्री जो है वो पाकिस्तान है, तो यहाँ पे मेरे सामने पाकिस्तान शो हो रहा है। तो यहाँ पे इसी तरह ये एरो के निशान पे आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वो मिल जाएंगी। आपका ताल्लुक जिस कंट्री से भी है आप यहाँ पर आकर सर्च भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो यहाँ पर आपकी जो भी कंट्री उसको सिलेक्ट कर लें। जैसे यहाँ पर देखें, मैंने अफगानिस्तान को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पर अल जज़ीरा वगैरह इसको सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर उसके बाद आपको यहाँ पे कोड आपका नीचे मिल जाएगा, उसके बाद नंबर पे आके यहाँ पे आके अपना मोबाइल नंबर ऐड करना है और यहाँ पे सेंड अ कोड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे कोड जाएगा, उसको आपने ऐड करना है तो आपका अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे ही आप कोड इंटर करेंगे, इस तरह का जो पेज है वो आप दोस्तों के सामने आएगा। सेम इसी तरह से मोबाइल पर भी होगा। इसके बाद जैसे ही आप मोबाइल में अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे ना ब्राउज़र में जाकर, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, यानी सेम उसी तरह से, ठीक है। अगर आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन से लिंक भी करते हैं तब भी आप इसी तरह से अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने गूगल प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ पे जाके आपने कॉइन बेस वॉलेट सर्च करना है। अब यहाँ पे आपको दो वॉलेट्स मिलेंगे, जिनमें सबसे पहले वाला एनएफटी क्रिप्टो का होगा, दूसरा होगा यहाँ पर बाय बिटकॉइंस एंड एथेरियम वगैरह का। आपने ये दूसरे वाला वॉलेट जो है इसको इंस्टॉल करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, उसको इंस्टॉल करने के बाद आपने ओपन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे, आप दोस्तों के सामने सेम वही पेज आएगा कि आप इसको साइनअप करें या लॉगिन करें। तो आपने अकाउंट तो क्रिएट किया होगा, आप इसको लॉगिन कर लें, अदरवाइज नहीं किया तो सिंपल दोबारा से साइन अप करेंगे तो वही वाला पेज आएगा जो कि मैंने आपको यहां पे पीसी पे दिखाया है, ठीक है। उसके बाद यहां पे आपने इसको लॉगिन कर लेना है, हमने अकाउंट तो क्रिएट किया होगा, ब्राउजर में जाके तो इसको ओपन करने के बाद आपने वही तमाम चीजें इसके सामने आ जाएंगी जो कि यहां पर आपको पीसी में मैंने दिखाई है। अब एक बात आपने लाजमी याद रखनी कि आपने ये जो पहले वाला मैं मेंशन कर रहा हूं इसको आपने बिल्कुल नहीं डाउनलोड करना, आपने ये दूसरे वाला वॉलेट जो है इसको यहां से डाउनलोड करना है, ठीक है ना। इसके बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे, इस तरह से आपके सामने सेम कंप्यूटर में भी इसी तरह ओपन होगा और मोबाइल में भी आ जाएगा। अब यहां पे हम आते हैं तो होम हमारे पास आएगा, एसेट्स आएंगे, ट्रेड आएगा, अर्न आएगा, पे आएगा, एनएफटी और उसके बाद इनवाइट फ्रेंड्स का ऑप्शन, यहां पे बाय सेल का ऑप्शन है, सेंड एंड रिसीव का है, इसके अलावा गेट रेफरेंस का ऑप्शन है, नोटिफिकेशन का है, यहां पर आपको कुछ चीजें मिलेंगी और ये प्रोफाइल का ऑप्शन आपका मिलेगा, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले अगर हम यहाँ पे आते हैं, ये प्रोफाइल का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिलेंगी। इसके बाद यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे आते हैं तो ये देखिए कॉइन बेस है, वॉलेट है, ऐड ट्रेडिंग है, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती जाएंगी, एनएफटी वगैरह है, हेल्प सेंटर है। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे आपकी प्रोफाइल्स का ऑप्शन देगा, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो मिलती जाएंगी, आप यहाँ पर आके इनको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद नोटिफिकेशन का ऑप्शन है, यहाँ पर आप आएँगे तो आपको जो भी नोटिफिकेशन होंगी वो यहाँ पर शो जाएंगी कि आपको ये नोटिफिकेशन मिली है। वापस हम होम पे आते हैं,
आने के बाद इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप दोस्त जो है एसेट्स पे अगर आते हैं तो जैसे ही एसेट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस वक्त मेरे पास ज़ीरो एसेट्स हैं, तो यहाँ पे देख लें ये शो करवा रहा है कि आपका यहाँ पे ज़ीरो एसेट्स है, ठीक है। अभी अकाउंट मेरा अंडर रिव्यू है, यानी अकाउंट अभी न्यू है। इसके बाद यहाँ पर अगर ट्रेड पर आते हैं, जैसे ही ट्रेड पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर ये ट्रेडिंग वाला ऑप्शन जो है वो आ जाएगा, यहाँ से आप इसको बाय एंड सेल कर सकते हैं। उसके बाद अर्न का ऑप्शन है, ये कुछ इंटरेस्ट वगैरह का ऑप्शन है, यानी यहाँ पे आपको एपीआईज वगैरह मिलेंगे, आप अगर करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज मैं आपको इसकी बिल्कुल सजेशन जो है वो नहीं करूँगा, आप ये ना करें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पे का ऑप्शन है, यहाँ पे पे आपको ये तमाम चीज़ें दिखाई गई कि आपने यहाँ पर कितना आपने फंड सेंड किया और कितना आपको यहाँ पर रिसीव हुआ, ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर आके शो हो जाएंगी जब जब आप फंड रिसीव करेंगे या उसको यहाँ पर किसी भी वॉलेट वगैरह में सेंड करेंगे। इसके बाद एनएफटी का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज भी आपको लेके जाएगा, इस पर भी आपने सिंपल साइन इन पे क्लिक करना है, अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको ये ड्रॉप्स वगैरह, शॉप वगैरह, ट्रेडिंग फॉलोइंग तमाम चीज़ें जो यहाँ पे बताएगा। इसके बाद हम वापस आते हैं मैं अपने डैशबोर्ड पे, आने के बाद यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे देखें ये बता रहा है कि आपको यहाँ पे गेट 10S, यानी आपको यहाँ पे अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने पे ये गेट 10S के ऑप्शन पे क्लिक कर लें या इनवाइट फ्रेंड्स पे, जिस पे भी क्लिक करेंगे ये आपको बता रहा है कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट करते हैं, वो अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और अपनी KYC कम्प्लीट करते हैं, तो आप दोस्तों को यहाँ पर 10S यानी $10 यहाँ पे मिलेंगे, यानी बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है। अगर आपके दोस्त जो है आपके लिंक से ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे $10 मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है सेंड एंड रिसीव का, इसको हमने यहाँ पे करना है। इसके लिए जैसे ही आप यहाँ पे सेंड एंड रिसीव पे क्लिक करेंगे, आप दोस्तों के सामने ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कि यहाँ पे आपने जो भी फंड्स वगैरह सेंड किए होंगे वो यहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा कि आप यहाँ से अपने फंड्स जो है वो किसी और वॉलेट या एक्सचेंज में इसको सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आके आपने इसको सेंड कर सकते हैं, करेंसी वगैरह सेलेक्ट करेंगे और फंड्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद रिसीव के ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर देखें ये लाइट क्यों आपको मिल रहा है, यहाँ पर आप जैसे ही आएंगे ना ये आपको एरो का निशान मिलेगा, इस पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखें आपको मल्टीपल करेंसीज जो है वो मिल जाएंगी, जो कि कोइन बेस वॉलेट में ऐड है वो तमाम करेंसीज आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पे सर्च करना चाहें, जैसे यहाँ पे मैं शिबा इन जो है उसको सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं शिब लिखता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा ना ये देखें, जैसे ही मैंने लिखा और यहाँ पे शिबा इन को ऑप्शन आ गया, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने ये देखें एड्रेस भी आ गया और इसका स्कैनिंग कोड भी आ गया। अगर मैं स्कैन करना चाहूँ तो स्कैन कर सकता हूँ, अदरवाइज इसका एड्रेस कॉपी करना चाहूँ तो वो भी कॉपी करके सिंपल आपने जो जितने भी फंड्स होंगे वो यहाँ पर इसको सेंड कर सकते। इसी तरह अगर मैं बिटकॉइन पे क्लिक करता हूं, सेम उसी तरह से आप दोस्तों के सामने स्कैनिंग कोड भी आ जाएगा और इसके अलावा एड्रेस भी आ जाएगा। आप अगर चाहते हैं कि आपको इसका कोड स्कैन करना चाहते हैं वो कर लें, अदरवाइज इसको कॉपी करके इस एड्रेस को इस पे आप अपने फंड्स जो है वो सेंड करेंगे तो आप दोस्तों को यहाँ पर इस वॉलेट में रिसीव हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा मैथड है इसको, इस तरह से आपने सिंपल आपको एड्रेस वगैरह मिल जाएगा। इसके बाद बाय एंड सेल का ऑप्शन है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप दोस्तों के सामने यहाँ पर ऑप्शन देगा कि आप अपनी आईडी जो है वो वेरीफाई करें। यहां पे अगर आप आते हैं बाय पे भी आपको आईडी वेरीफाई करनी पड़ेगी, सेल पे भी और कन्वर्ट पे भी। तो यहां पे आप दोस्त ये जानते हैं कि वॉलेट्स वगैरह में फीस जो है काफी होती है, तो आप इस पे ये ना करें। सिंपल अगर आईडी वेरिफिकेशन करना चाहें तो वो बेस्ट है, आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी है। आपके फंड जो है वो यहां पर सेंड एंड रिसीव जो है वो हो जाएंगे, यानी आप फंड जो है यहां से कहीं भेज भी सकते हैं और यहां पर मंगवा भी सकते हैं। इसके अलावा आपका रेफरल लिंक यहां पर आपको मिलेगा, इसको कॉपी करके फ्रेंड्स में शेयर करें। यहां से आपको $10 जो है वो पर फ्रेंड पे, यानी ईच फ्रेंड पे आपको यहाँ पे $10 मिलेंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपने दोस्तों को भी ज्वाइन करवा के यहाँ से अर्निंग जो है वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको तमाम स्टेप्स की समझ जो है लग चुकी होगी, बिल्कुल सिंपल काम है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दो में याद रखें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।